हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की डब्ल्यू सिटिंग में बैठना कैसा है, इसके क्या नुकसान हैं या ये फिर बैठना सही है। तो आइए बात करते हैं। बच्चों को पालना, उनकी केयर करना हर पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा होता है। उनके उठने से लेकर सोने तक हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार हम पेरेंट्स से ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद में बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि डब्ल्यू सिटिंग होती क्या है। जैसा कि मैंने पिक में दिखाया हुआ है, इसी तरह जब बच्चे घुटनों के बल बैठते हैं तो इसे ही हम डब्ल्यू सिटिंग कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्टार्टिंग में बैठना शुरू करते हैं तो वो अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, उसी में से एक पोजीशन डब्ल्यू सिटिंग की भी है। इस पोजीशन में बैठने से बच्चों को अक्सर आराम मिलता है, लेकिन ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पेरेंट्स को उनकी इस पोजीशन पर बैठने पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा इस पोजीशन में बैठे हुए दिखे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों की हिप्स, घुटनों और एड़ियों में काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ उससे आगे चलकर रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है। सेकेंड है कि बच्चे अगर इस तरीके से बैठते हैं तो उनके ऊपरी हिस्से में प्रेशर पड़ता है, जिससे बच्चे की गर्दन, कंधे, पीठ, इन हिस्सों पर भी प्रेशर पड़ता है। और लगातार इस तरीके से अगर बच्चे बैठते रहते हैं तो आगे चलकर उनको प्रॉब्लम हो सकती है या उनको इन चीज़ों में दर्द रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डब्ल्यू सिटिंग में अगर बच्चे बैठते हैं तो उनकी हड्डियां खिसकने का डर बना रहता है। बच्चे की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे हड्डियों की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने कई बार बच्चों को खेलते समय या पढ़ते टाइम या फिर टीवी देख रहे हो, ऐसे टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, अपने पैर को मोड़कर बैठ जाते हैं। इस तरह बैठना उनकी जो हेल्थ होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता है, और बच्चे की मतलब हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही नहीं है, बल्कि उनकी माइंड के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे इनके माइंड भी का जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होनी होती है, वो रुक जाती है। घुटनों के बल बैठने से वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। सो पेरेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि बच्चे की इस पोजीशन में बैठने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसे, या आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा आपको इस तरीके से बैठा हुआ दिखे तो उसे तुरंत टोके और उससे बोले कि पैर सीधे करके बैठिए या पलथी मार कर बैठिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल पर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।